हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी गोलाइट क्रीम की। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, नेचुरल क्रीम है, पैराबेन फ्री, स्टॉर्ड फ्री क्रीम है। इसका 15 ग्राम का प्राइस है 540 रुपीज़। ये आपको हर कोई मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगी। तो गाइज, ये गोलाइट क्रीम जो है थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। तो ये स्किन को लाइट एंड ब्राइट करती है। अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या है तो आपके लिए क्रीम जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आपको एक्ने, पिंपल के स्कार है, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस, उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें यूज किया गया पी टेरोइड। तो पी टेरोइड जो है एक नेचुरल कंपोजिशन है जो स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, रिंकल फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करती है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एंटी एजिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो उसके बाद है गैलंगा एक्सट्रैक्ट। तो ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये दिखने में जिंजर जैसा ही दिखता है। ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, साथ ही स्किन को जो है रिजुनेट करने में सपोर्ट करता है। उसके बाद है सीबी वाइट। सीबी वाइट को स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, एंसन प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही ये मेलानिन को कम करता है, जिसके कारण दाग धब्बे लाइटन होते हैं, साथ ही चेहरे पर निखार आता है। तो उसके बाद ये लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, ये मेलानिन को प्रोडक्शन को कम करता है ताकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साथ ही स्किन इन्फेक्शन एंड एक्ने पिंपल के लिए भी काफ़ी कारगर होता है। तो उसके बाद है सटल कोजिक एसिड। तो ये नॉर्मल कोजिक एसिड से ज़्यादा पावरफुल होता है, जो स्किन को कम समय में ही जल्दी गोरा या लाइटन कर देता है। तो नैनो ब्राइट है, जो एक नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, साथ ही दाग धब्बे को भी लाइटन करता है। गाइस, गोलाइट क्रीम जो है एक सेफ क्रीम है, इसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया। साथ ही इसमें जो है सन प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। तो इसको जो है डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। एंड फेस पर लगाने से पहले जो है अपने फेस को वॉश जरूर कर लेना है। एंड उसके बाद थोड़ी सी क्रीम ही लगती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पतली सी लेयर लगती है। तो गाइज, ऐसे तो ये सेफ क्रीम है, डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं, फिर भी यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर ले लें। अगर आपको सूट हो रही है, स्किन पर किसी तरह का इरिटेशन या जलन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करें, खासकर सेंसिटिव स्किन वाले जिनको हर कोई प्रोडक्ट जो है सूट नहीं करता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।